उत्तर प्रदेश पीलीभीत के तहसील अमरिया में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आज अमरिया में व्यापारियों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें जीएसटी टीम द्वारा लगातार हो रही छापामारी तथा व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर चर्चा की गई। आज बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यापार मंडल के अध्यक्ष असगर अली ने कहा कि ये समय व्यापारियों के लिए काफी संकट का है, क्योंकि व्यापारी जीएसटी अधिकारियों का शिकार हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ कुछ कमियां हैं, जिसे हम हर समय रहते पूरा कर लें और इस समस्या से बच सके। सबसे पहले हमें अपने कागजों को ठीक करना होगा, जिसमें हम पूर्ण रूप से सही पाए जाएं। बैठक में पहुंचे जीएसटी के अधिवक्ता चंद्रशेखर त्यागी व हाजी मोहम्मद ताहिर ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा सुझाव है कि आप सभी लोग व्यापारी लोग अपने मासिक खरीद व बिक्री के कागजों को मेंटेनेंस करके महाबार एक रजिस्टर रखे, यदि कोई अधिकारी पूछता है तो तत्काल उसे दिखाएं। इसके अलावा कोई भी समस्या आती है तो अपने अधिवक्ताओं से सुझाव लें। व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष इमरान कादरी ने कहा कि अमरिया कस्बे में चौकीदार होना जरूरी है, जिससे चोरी जैसी घटनाओं से बचा जा सके। वहीं व्यापार मंडल के महामंत्री मदनलाल गुप्ता ने कहा कि व्यापारी मंडल के समस्त पदाधिकारियों की माह में एक बैठक होना जरूरी है, जिससे व्यापारियों की जो भी समस्या है उसको आपस में बैठकर निपटाया जा सके। इस मौके पर आज राजन अरोरा, शिबू मलिक, रिंकू खा, राजकुमार गुप्ता, रफीक अहमद, हिमांशु गुप्ता, अमन सरपाल, यासीन अंसारी सहित लगभग सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एकत्र हुए। वहीं आज इस कार्यक्रम का संचालन राजन अरोरा द्वारा किया गया था। बता दें कि व्यापारियों को लगातार जीएसटी की छापेमारी का डर है, जिसको लेकर व्यापारियों में एक खौफ का माहौल बना हुआ है। आज अमरिया में उद्योग व्यापार पश्चिमी व्यापार मंडल की एक खास बैठक हुई थी, जिसमें असगर अली के अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें व्यापार मंडल से जुड़ी कई मामलों को लेकर चर्चा की गई है। इस मौके पर अमरिया के लगभग सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एकत्र हुए और अपने अपने सुझाव रखे थे। चले के इससे पहले भी दो दिन पूर्व जीएसटी कार्यालय का उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पीलीभीत पहुंचकर घेराव किया था, जिस पर अधिकारियों से काफी समय तक चर्चा की गई थी। वहीं अधिकारियों द्वारा 72 घंटे का समय भी दिया गया था। बताते चले कि व्यापार मंडल इस चीज को लेकर काफी गुस्सा हुआ है, क्योंकि लगातार व्यापारियों को छापामारी का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं जीएसटी टीम लगातार उनका उत्पीड़न कर रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में एक काफी रोष देखा गया है। आज अमरिया में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक हुई, जिसमें सभी व्यापारियों के साथ में चर्चा की गई है, जिसमें कुछ जीएसटी के लोग, जीएसटी के अधिवक्ता भी शामिल हुए थे। आज अमरिया में उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक हुई है, जिसमें जीएसटी को लेकर काफी चर्चा की है। क्या चर्चा हुई है और क्या बताया गया है? जीएसटी के व्यापारियों में एक भय का माहौल था, उसके संबंध में चर्चा हुई है। ये छापेमारी की जो कार्रवाई थी, इसके संबंध में चर्चा हुई है। लोगों को, सबको इस बात के लिए अवेयर किया गया है कि भाई आप लोग अपने बिल, खरीद के बिल, बिक्री के बिल, ये सारी चीज़ें मेंटेन करें और स्टॉक रजिस्टर वगैरह सब मेंटेन करें। और बस व्यापारी ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा इस सब चीज़ों के लिए समय थोड़ा सा मिल जाए। बस बाकी सब से बात हुई है, सब ने कहा है कि टैक्स जमा करें थोड़ा थोड़ा और इस रेवेन्यू से ही जो है सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं। अमरिया में व्यापार मंडल के साथ में आज एक बैठक हुई है व्यापारियों की, क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं व्यापारियों को? यहाँ पे मौजूद हमारे मुख्य अतिथि के रूप में और लीगल एडवाइज़र के रूप में चंद्रशेखर त्यागी जी मौजूद थे और साथ में मलिक वकील साहब मौजूद थे, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि जीएसटी को लेके जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो भय का माहौल है, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। एक तो हम लोग अपने पेपर्स तैयार करेंगे, जितने व्यापारी हैं ये तय हुआ है कि जो भी कागज़ हैं, जो भी स्टॉक है, वो सब चीज़ें मेंटेन की जाएँ। उसके अलावा व्यापार मंडल की अपनी एक शक्ति है, एक ताकत है, जो कि आप सब मीडिया बंधुओं ने भी देखी है किस तरीके से हम व्यापारी एकत्रित थे। तो यदि किसी व्यापारी के ऊपर कोई बात आती है तो हम सब एक हैं, हम किसी तरह की कोई भी किसी शासनिक अधिकारी को या प्रशासनिक अधिकारी को मनमानी नहीं करने देंगे। हम लोग सब एकत्रित हैं, एक साथ हैं। यदि किसी व्यापारी बंधु के कोई भी अधिकारी आता है तो हम लोग उसका हर तरह से चाहेंगे कि अपने व्यापारी का सहयोग करें। कहना चाहते हैं व्यापारियों की, आज आपका जो संगठन है उसकी एक बैठक हुई है, व्यापार लगातार जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या निर्णय लिया, क्या व्यापारियों को समझाया गया? हमने सारे व्यापारियों को, अपने अमरिया के व्यापारियों को समझाया है कि अपने कागज़ पूरे रखें, जीएसटी का जो भी जैसे भी है उसका पूरा काम करें,
और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारी आए, अपने कागज दिखाए उन्हें और अपना कारोबार करें।